हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन टीच अशोक में। तो देखिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो जो है ये आप सारे लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा खास होने वाला है, क्योंकि फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में जो है हम कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करेंगे। और देखिए फ्रेंड्स, आज का ये जो वीडियो है ये खासकर जितने भी संविदा आउटसोर्सिंग या ठेके पर काम करने वाले कर्मचारी हैं इनके लिए जो है काफ़ी ज़्यादा खास होने वाला है। और फ्रेंड्स, साथ ही साथ जो भी इंडिया गठबंधन के सपोर्टर्स हैं इनके लिए भी जो है ये वीडियो खास होने वाला है। और जो भी गरीब परिवार की महिलाएं हैं और साथ ही साथ जो भी बेरोजगार युवा हैं इन सारे लोगों के लिए जो है ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा खास होने वाला है, क्योंकि फ्रेंड्स आज का न्यूज़ जो है कुछ इसी तरीके का साबित होने वाला है। और फ्रेंड्स, आप लोग जो है ये चीज़ें श्योर मानकर चलिए कि इस वीडियो को देखने के बाद जो है लोगों का दिल जो है ये सच में खुश हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है आज का ये वीडियो शुरू से लेकर आज तक जरूर देखिएगा। और फ्रेंड्स, अगर आप लोग जो है इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। फिर चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों को बता दें कि लोकसभा 2024 का चुनाव खत्म हो चुका है, जिसमें फ्रेंड्स आप लोगों को बता दें कि एनडीए को और साथ ही साथ इंडिया गठबंधन दोनों पार्टियों को जो है पूर्ण बहुमत नहीं मिला है। हालांकि फ्रेंड्स, आप लोगों को बता दें कि इंडिया गठबंधन को जो है 34 सीटें और साथ ही साथ जो है एनडीए पार्टी को 32 सीटें पूर्ण बहुमत में कमी रह गई है। इसी वजह से फ्रेंड्स आप लोगों को बता दें कि एनडीए की जो पार्टी है ये जो है नीतीश कुमार और साथ ही साथ जो है चंद्रबाबू नायडू को अपनी ओर करके जो है इनके द्वारा है पीएम नरेंद्र मोदी को बनाया गया है। और फ्रेंड्स, आप लोगों को जो है इसके बारे में जानकारी भी होगा कि कांग्रेस पार्टी द्वारा इस बार के लोकसभा चुनाव में काफ़ी अच्छा अनाउंसमेंट किया गया था। खासकर फ्रेंड्स, इनके द्वारा जो है ये चीज़ें कहा गया था कि अगर इनकी सरकार जो है केंद्र में बनती है तो इनके द्वारा जो है पूरे भारत के सभी राज्यों में जो भी संविदा आउटसोर्सिंग या ठेके पर काम करने वाले कर्मचारी हैं इन सारे लोगों को जो है परमानेंट कर इन्हें पेंशन का लाभ मिलेगा। यानी कि फ्रेंड्स, ये चीज़ें जो है इनके द्वारा स्पष्ट रूप से कहा गया था कि पूरे भारत से जो है ठेका प्रथा पूरी तरीके से खत्म कर देंगे और जो भी संविदा आउटसोर्सिंग या ठेके पर काम करने वाले कर्मचारी हैं इन लोगों को जो है परमानेंट कर राज्य कर्मचारी का जो है दर्जा दे देंगे और साथ ही साथ जो है इन्हें पेंशन भी दिया जाएगा। और इसके साथ में जो है इनके द्वारा ये भी चीज़ें कहा गया था कि जो भी गरीब परिवार की महिलाएँ हैं इन्हें जो है 8500 रुपये प्रतिमाह दिया जाएगा, यानी कि इन्हें जो है साल में 1,00,000 रुपये दिया जाएगा। और साथ ही साथ जो है इनके द्वारा राशन जो है 10 किलो देने की बात की गई थी और गैस का दाम जो है 500 रुपये किए जाने की बात जो है इनके द्वारा लोकसभा चुनाव 2024 के घोषणा पत्र में अनाउंसमेंट किया गया था। लेकिन फ्रेंड्स, अगर वहीं बात किया जाए बीजेपी पार्टी द्वारा तो ऐसा जो है किसी भी प्रकार का इनके द्वारा अनाउंसमेंट नहीं किया गया था। और देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों को बता दें कि अगर कांग्रेस की पार्टी यानी कि इंडिया गठबंधन की पार्टी अगर चाहती तो इसकी सरकार भी केंद्र में बन सकती थी, लेकिन फ्रेंड्स इनके द्वारा जो है ऐसा किसी भी प्रकार का कोशिश नहीं किया गया। हालांकि फ्रेंड्स, इसके पीछे जो है एक चाल थी, आइए जो है आप लोगों को इसके बारे में बता देते हैं। और देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों को बता दें कि जो नीतीश कुमार हैं इनके द्वारा जो है एनडीए पार्टी में शामिल होने के लिए इनके द्वारा रेल मंत्रालय मांगा गया था, लेकिन फ्रेंड्स एनडीए की पार्टी द्वारा ऐसा जो है किसी भी प्रकार का इन्हें कोई भी मंत्रालय नहीं दिया गया। इसी वजह से जो है इनकी नाराजगी काफ़ी ज़्यादा सामने निकल कर आ रही है। और देखिए फ्रेंड्स, इनके द्वारा जो है मीडिया के सामने और कई जगह जो है इस संबंध में अपनी नाराजगी बताई जा रही है। और फ्रेंड्स, आज जो है चंद्रबाबू नायडू का शपथ ग्रहण समारोह भी था जिसमें जो है इनके द्वारा जो है पार्टिसिपेट नहीं किया गया। हालांकि फ्रेंड्स, कहीं ना कहीं जो है नीतीश कुमार भी इस वजह से काफ़ी ज़्यादा नाराज हैं। और फ्रेंड्स, अगर वहीं बात किया जाए नरेंद्र मोदी के चेहरे पर तो इस बात को लेकर जो है इनके चेहरे पर भी रौनक नहीं है, क्योंकि इनको पता है कि मेरी सरकार जो है कभी भी गिर सकती है। और देखिए फ्रेंड्स, इसी संबंध में जो है संकेत भी जो है दिखने लगे हैं। नीतीश कुमार जो है ये चीज़ें आप लोग श्योर मानकर चलिए कि जल्द ही इनके द्वारा जो है एनडीए की पार्टी से जो है ये जल्द ही बाहर हो जाएंगे। और फ्रेंड्स, इस बार जो है ये बिना कहे हुए इंडिया गठबंधन की पार्टी में शामिल होंगे। और देखिए फ्रेंड्स, ये बात जो है इंडिया गठबंधन की पार्टी 100% जानती थी, इसी वजह से जो है इनके द्वारा किसी भी तरीके का कोई प्रयास नहीं किया गया। हालांकि फ्रेंड्स, अगर इंडिया गठबंधन की पार्टी इनको अपने पार्टी में लाने के लिए कहती तो इनके द्वारा जो है एक ही चीज़ का मांग किया जाता कि हमें जो है प्रधानमंत्री बनाया जाए, तभी जो है हम आपकी पार्टी में शामिल होंगे।
और फ्रेंड्स ये चीज़ें जो है इंडिया गठबंधन को अच्छी तरीके से पता था, इसी वजह से जो है इनके द्वारा किसी भी तरीके का कोई भी इन्हें प्रेशराइज नहीं किया गया और ये जो है बिना कहे एनडीए की पार्टी में शामिल हुए और इनके द्वारा जो है जिसमें रेल मंत्रालय का डिमांड किया गया। लेकिन फ्रेंड्स बीजेपी पार्टी अर्थात इंडिया गठबंधन की पार्टी द्वारा इन्हें जो है किसी भी प्रकार का कोई भी मंत्रालय नहीं दिया गया, इसी वजह से जो है नीतीश कुमार अब पलटी मारने के मूड में दिख रहे हैं। और फ्रेंड्स जल्द ही जो है आप लोगों के सामने ये न्यूज भी सामने निकल कर आ जाएगा कि इंडिया गठबंधन की पार्टी में जो है नीतीश कुमार शामिल हो गए हैं। और फ्रेंड्स ये चीज़ें जो है आप लोग श्योर मानकर चलिए कि केंद्र में जो है जल्द ही जो है इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और फ्रेंड्स इनके द्वारा जो भी चीज़ें अनाउंसमेंट किया गया था कि पूरे भारत से ठेका प्रथा खत्म कर दी जाएगी और जितने भी संविदा और सोसी या ठेके पर काम करने वाले कर्मचारी हैं इन सारे लोगों को परमानेंट कर दिया जाएगा और साथ ही साथ जो है इन्हें पेंशन का लाभ मिलेगा। तो आप जो है ये दिन दूर नहीं है, जल्द ही फ्रेंड्स आप लोगों के लिए जो है ये खुशखबरी सामने निकल कर आ जाएगी और जल्द ही जो है पूरे भारत से इस ठेका प्रथा को पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाएगा। और फ्रेंड्स आप लोग जो है ये भी चीज़ें श्योर मानकर चलिए कि जितने भी गरीब परिवारों की महिलाएं हैं इन्हें जो है जल्द ही 8500 रुपये प्रतिमाह दिया जाएगा और साथ ही साथ जो है जो भी राशन के लाभार्थी हैं इन्हें जो है जल्द ही 10 किलो का राशन मिलेगा और गैस का दाम जो है इसे जल्द ही घटाकर अब 500 रुपये कर दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स अब जो है ये चीज़ें कहीं ना कहीं श्योर होती जा रही है कि जल्द ही जो है एनडीए पार्टी की सरकार जो है जल्द ही केंद्र से गिरने वाली है और जल्द ही जो है इंडिया गठबंधन पार्टी की सरकार केंद्र में बनेगी। और फ्रेंड्स अगर ऐसा होता है तो जल्द ही जो है आप सभी संविदा और सोसी या ठेके पर काम करने वाले कर्मचारियों के मानदेय में अच्छा खासा बढ़ोतरी देखने को मिलेगा। क्योंकि फ्रेंड्स आप लोगों को बता दें कि अगर आप लोगों को परमानेंट कर राज्य कर्मचारी का दर्जा दे दिया जाता है तो राज्य सरकार द्वारा जो भी एक राज्य कर्मचारी को सुविधा दी जाती है ये सारी सुविधा जो है आप लोगों को दी जाएगी। साल में जो है दो बार आप लोगों के मानदेय में वृद्धि होगी, एक जनवरी के महीने में और एक जो है जुलाई के महीने में जो है आप लोगों के मानदेय में वृद्धि होगी। और फ्रेंड्स यात्रा भत्ता वगैरह बोनस वगैरह डीए का लाभ वगैरह ये सारा चीज़ जो है आप लोगों को दिया जाएगा, इसी वजह से जो है कांग्रेस पार्टी द्वारा ऐसा कदम उठाया जा रहा है। और फ्रेंड्स आप लोगों को बता दें कि अगर ये पार्टी की सरकार जो है अगर इस बार गिर जाती है तो आप लोग ये चीज़ें श्योर मानकर चलिए कि इंडिया गठबंधन की पार्टी द्वारा अच्छा खासा काम किया जाएगा। क्योंकि फ्रेंड्स इन्हें जो है ये चीज़ें अच्छी तरीके से पता है कि ऐसा चांस दोबारा नहीं मिलेगा, इसी वजह से जो है इनके द्वारा जो भी अनाउंसमेंट किया जाएगा इस पर जो है 100% खरा उतरने की कोशिश इनके द्वारा की जाएगी। हालांकि फ्रेंड्स अभी कुछ भी हो सकता है, अभी ये चीज़ें श्योर नहीं है, लेकिन फ्रेंड्स अब जो है ये चीज़ें साफ दिखती हुई नज़र आ रही है कि जल्द ही जो है नीतीश कुमार द्वारा एनडीए की पार्टी द्वारा जो है ये जल्द ही बाहर हो जाएंगे, ये चीज़ें जो है आप लोग 100% श्योर मानकर चलिए और जल्द ही जो है केंद्र में आप लोगों को इंडिया गठबंधन की सरकार देखने को मिलेगी। तो फ्रेंड्स आप लोगों का जो है इस वीडियो के संबंध में क्या रहा है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा और फ्रेंड्स आप लोग जो है इस वीडियो को देखने के बाद इसे लाइक और शेयर कर दीजिएगा। फिर चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।